में ना कांग्रेस सरकार बनेगी चाहे वो ताकत कितनी लगा ले, जेठू का बात है, बेईमानी मोदी कर ले वो तो पतोनाने नहीं तो हमारी जनता मतलब कांग्रेस न रह रही है। अच्छा हाँ, तो सर मेरे कांग्रेस आ सकती है। कांग्रेस आ सकती है, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्योंकि बीजेपी से सब तंग आ चुके हैं, बीजेपी मतलब योजना भी अच्छी ला रही है। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। क्या काम करती हैं आप? ठेला लगाते हैं। ये आपका ठेला है? हाँ। अच्छा, तो अभी कैसी बिक्री बिक्री चल रही है? ऐसे चले, ठंडी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ सवेरे से। अच्छा, कोई नहीं खरीदता है? कोई नहीं खरीदता है। तो वैसे और दिनों में खरीदारी कैसी रहती है? अच्छी होती है, त्योहार पे हो जाती है ना, त्योहारों पे होती है। जो घरेलू महिलाएं हैं वो सामान वामान खरीदती हैं, पूजा पाठ का सब सामान लेती हैं। हम लोग ये सर्वे कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं उसमें जैसे शिवराज मामा जी कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश की उनके खातों में 1,000 रुपये डाल रहे हैं लाडली बहन योजना के। आपको मिल रहा है? नहीं, हमें तो नहीं मिला। खैर, नहीं मिला हमारे खाते में, पता नहीं कुछ कमियां होगी। अच्छा, तो आपने चेक नहीं कराया? कराया था। अच्छा, डीवीडी मांग रहे थे, डीवीडी को कराया है पर पता नहीं है वो क्यों नहीं दी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो प्रोसेस नहीं हो पा रहा पूरा? हाँ, पूरा नहीं हो पा रहा। तो आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या माहौल रहेगा? मामा जी द्वारा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे, कहा नहीं जीतेंगे। लाडली लक्ष्मी बहना ने पैसा दिया था, वो तो वोट तो वो तो आपको मिल ही नहीं रहा। हमको नहीं मिला तो क्या है, और को तो मिला है। अच्छा, और लेकिन कई सारी महिलाएं तो कह रही हैं गैस सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया, खाना कैसे पे बनाए? अब तो महंगाई तो हो रही है, टमाटर सब्जी वगैरह बहुत महंगी, बहुत महंगी है। अब महंगाई से लोग परेशान हैं। 3 दिन आते हम लोग खुद 15 दिन हो गए, मैंने टमाटर देखा नहीं है कैसा होता है टमाटर। अच्छा, इतना महंगा है? इतना महंगा है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फर्क नहीं डालेंगी चुनाव पर? क्या पता है, अब हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, फर्क तो आएगा क्या, महंगाई ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, जैसे जो कांग्रेस है वो वादा करे अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 500 रुपये का सिलेंडर करेंगे, और ये कह रही है कि हम 1500 रुपये खाते में डालेंगे। ऐसा है भाई साहब, मैं तो खैर अनपढ़ है, अगर जो महंगाई बढ़ गई है ना वो सस्ती होना तो मुश्किल दिखाई है। अच्छा, मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है, जो आगे बढ़ जाता है तो ज़्यादा कितना कर देगी? 200 करोड़ रुपये कम कर देगी गैस पे, ज़्यादा नहीं हो सकता अंदाजा। अच्छा अच्छा, भले हम पढ़े नहीं है तो अंदाजा तो होता है। अच्छा अच्छा, ज़्यादा कम नहीं होगा आपको मुश्किल? लेकिन आपको लग रहा है फिर भी जो शिवराज सिंह की सरकार फिर से आ जाएगी? कहाँ पता है, क्या कह सकते हैं, क्योंकि कई लोग नाराज हैं। महंगाई से नाराज है? महंगाई से नाराज है। कई लोग ये कह रहे हैं बदलाव बदलाव होता रहे थोड़ा सा, तो आसान चीज आसान हो जाता है, थोड़ी सी कंट्रोल चाहिए ना, एक तो बदला चाहिए, बदला चाहिए लग रहा है आपको? लग रहा है। चलिए ठीक है, आपके बच्चे वगैरह क्या करते हैं? एक गाड़ी चलाता है बस। अच्छा, स्कूल के। और पति का काम करता है? पति क्या करते हैं? नहीं लगाते। अच्छा, आप ही हो? हाँ, दोनों जने हैं। नहीं हैंगे ना? अच्छा अच्छा, तो ठेले लगाते हैं दोनों, ठेला लगते हैं एक वाला एक जाना। अच्छा अच्छा, तो यही काम सेम काम है? हाँ, पहले पल्लेदारी करते थे, वो काम खत्म हो गया, स्टेशन चला गया। अच्छा अच्छा, स्टेशन चला गया मतलब सीमेंट आती थी। हाँ। तो वो रारू पहुँच गई है, रारू पे कमीशन मांगते हैं। अच्छा। कमीशन हम दे नहीं पाते हैं, आपका गरीब लोग अपना पेट भरेंगे कमीशन देंगे। अच्छा, कमीशन लगता है? हाँ, कमीशन लगता है। पाँच चार जने काम करेंगे तो 5 की हाजिरी देनी पड़ती है। तो आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में, आप फाइनल बताइए, आपको माहौल चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सिद्धि लाल, क्या काम करते हैं आप? सुना कर तो बैठ रहा था, और क्या कमाई करते? अच्छा, वोट वोट डालते हो आप? वोट वोट तो डालते हैं। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव में कैसा माहौल लग रहा है, कांग्रेस की लग रही है बीजेपी की? अब का पता, अपन ने अब जनताओं का पता है। अच्छा है, जनता का करती है? अच्छा है, महंगाई जनता तो कह रही है महंगाई से परेशान है, तो परेशान है। हाँ हाँ, अच्छा, आपको लग रहा है कि चेंज होगा महंगाई की वजह से? हो सकता तो है चेंज। अच्छा, हो सकता है बदलाव? हो सकता है बदलाव ऐसे का तो है, महंगाई बहुत कर लीजिए तो। अच्छा, महंगाई लग रहा है आपको बहुत है? कब लगी रहती है वो तो। आपके बच्चे क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? तो खर्चा वर्चा निकल जाता है घर का? अब निकला निकली तो सिर्फ का होती है, करना पड़ती है वो तो। क्या नाम है दादा आपका? किशन लाल। तो क्या काम करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता हूँ, वृद्ध है 80 वर्ष के। रिटायरमेंट हो गया? रिटायरमेंट, रिटायर्ड। अच्छा, क्या उससे पहले क्या करते थे आप? खेती बाड़ी करते थे, किसान थे। अच्छा, अभी तो आपके बच्चे वगैरह खेत खेती यदि देखते होंगे? हाँ, बच्चे देखते हैं। अच्छा, तो इस बार हम लोग सर्वे करें मध्य प्रदेश चुनाव में, जो आने वाले हैं चुनाव, इस बार चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है? देखो ऐसा है, असली विधि विधान से बताएं क्या बताएं आप? हाँ, असली बताओ, इस मध्य प्रदेश की परिभाषा बता रहे हैं हम आपको। लोग वाग इस टाइम उनकी कोई ये नहीं है कि स्थिति कहाँ देंगे ये। वैसे मैं तो बीजेपी का कट्टर हूँ। अच्छा, कट्टर है आप?
समझ गए, मुझसे आप पूछे हुए तो मैं तो कैसे बीजेपी का ही बताओगे कह दो है ना, कार्यकर्ता है पुराने, अब तो हमने बंदूक कर लिए जाए वो आए वो, मैं शरीर में ही संगता नहीं है तो। लेकिन आप लोगों की बात बता रहे थे, लोगों को क्या क्या रुख रहने वाला है? लोगों के विचार तो ये हैं, कोई कहते कांग्रेस को देंगे, कोई कहते बीजेपी को देंगे, अधिकांश लोग आगे यहाँ कांग्रेस की बात करती है। बिल्कुल सही बात है, अधिकांश करते हैं, वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, दिल्ली रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कांग्रेस की बात कर रहे हैं अधिकांश लोग है ना, बदलाव चाह रहे हैं। हाँ बदलाव चाह रहे हैं। ठीक है ठीक है। राजू लोधी, क्या काम करते हो आप? हम मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी का? हाँ। काम काज कैसा चल रहा है आपका? काम ऐसा ही चल रहा है, कोई लेता है कोई, मैं रोजगारी बहुत फैली है। पढ़ाई वगैरह नहीं करी आपने? पढ़ाई बहुत करी है, नौकरी कहीं निकल नहीं रही, भर्ती भी इतनी नहीं लग रही है, तो क्या कर, रोजगारी करनी पड़ रही है। वैकेंसी वैकेंसी नहीं निकल रही है ना? हाँ बहुत कम निकल रही है। कहाँ तक पढ़ाई करी आपने? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। और रहने वाली ग्वालियर की हो? भिंड 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 के। तो इस बार क्या लग रहा है, जो चुनाव आएंगे उसमें क्या होगा, बीजेपी की सरकार बन सकती है कांग्रेस की? पता नहीं चल रहा है, मेरे समझ में यही नहीं आता है, अभी तक कोई रोजगारी तो उतना ही बढ़ती जा रही है, दिन दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। बदलाव नहीं हो रहा है, तो बदलाव होना चाहिए सरकार में? होना चाहिए बिल्कुल। बीजेपी की अगर सरकार बदलती है, कांग्रेस की आती है, तो कुछ बदलाव होगा आपको लग रहा है? ये मेरे को अभी क्या बता सकते हैं, ये चीज राजनीति में नहीं बोल सकता हूँ। राजनीति आपको लग रहा है सरकार के मुद्दे नहीं है, ये जो वैकेंसी वगैरह है वो सरकार नहीं निकालती है? हाँ ये वैकेंसी निकाल दी है वो नहीं। अच्छा अच्छा, ये सरकार का मुद्दा नहीं है? तुम कम साल क्या काम करते हो? पढ़ाई करता हूँ। किस क्लास में हो? बी ए फर्स्ट ईयर। बी ए फर्स्ट ईयर, बोर्ड बन गया? बोर्ड हो गया। बन गया, बन गया आपका? मतलब वोट जो होता है बन गया आपका? कैसे? वोट नहीं जानते हो? वोट दिया है कभी जिंदगी? हाँ वोट दिया। हाँ वोटर कार्ड के, वोटर कार्ड है। हाँ ये है भाई, वोटर कार्ड यानी वोट से ही बोलते हैं, वोट बन जाना। अभी आपकी 21 साल एज है ना, तो 18 साल के बाद। हाँ मैंने फर्स्ट टाइम वोट कर दिया इसी साल। तो फर्स्ट टाइम अभी आपने वोट डाला है? हाँ। किस में? विधानसभा चुनाव में नहीं डाला? नहीं, अभी जो महापौर के हुए थे। और लेकिन अभी फर्स्ट टाइम जैसे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसमें आप क्या लग रहा है, किसका माहौल है इसका? सर मेरे हिसाब से कांग्रेस आ सकती है। कांग्रेस आ सकती है, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्योंकि बीजेपी से सब तंग आ चुके हैं, बीजेपी मतलब योजनाएं भी अच्छी ला रही है, ऐसी बात नहीं है। ये आपके सनग्लास या आंखों में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सनग्लास है। अच्छा, तो आपको क्यों लग रहा है कांग्रेस आएगी? उम्मीद यहाँ तक है, लोगों के मन की फीलिंग यही कि कांग्रेस को वोट देना है इस बार, कांग्रेस को लाना है, क्योंकि 20 साल से कांग्रेस का मतलब आ नहीं पाई है पूरी तरह। अच्छा। तो इस बार कांग्रेस का ज्यादा है। युवा है जो फर्स्ट टाइम वोटर हो आप है ना, तो आप में क्यों सोच बन रही है कि कांग्रेस आनी चाहिए? नहीं नहीं, मेरा तो किसी के लिए मत नहीं है, कांग्रेस भी चोर होगी, बीजेपी भी चोर। नहीं नहीं नहीं, वो मतलब इसलिए जैसे कई कई लोग नहीं, मैं यहाँ तक लोगों के बीच हूँ, जहाँ तक रहा हूँ, मेरे को पता है कॉन्फ्रेंस चेंज आ रहे हैं, चर्चा हो रही है, आप चर्चा वगैरह सुन रहे हैं? या हाँ यही, क्योंकि लोग यही चाह रहे हैं कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा, तो अभी आपने एक चीज़ सुनी होगी, ये पटवारी भर्ती की न्यूज़ आ रही होगी एनएसआई कॉलेज की, एनआरआई कॉलेज की, आपको लग रहा है कुछ घोटाला है उसमें? हो सकता है, क्योंकि एक कॉलेज से 6 वो टॉपर और उसके वहाँ 7 जो हैं, तो एक साथ टॉपर कैसे निकल सकते हैं? अच्छा। और यहाँ के उसके अधिकतर स्टूडेंट का मतलब सिलेक्शन हुआ, और ऐसा है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बिल्कुल। अच्छा, और एक लड़की का इंटरव्यू भी निकल के आ रहा है कि उस 3rd टॉपर रही है क्या है, तो उसे अपना हाँ ऐसा इतना बड़ा चलन है, वो तो मतलब फैक्ट डालेगा नहीं, तो मतलब कि उसे क्वेश्चन नहीं पता, कुछ नहीं आ रहा इतना इतना, तो किसी प्रदेश में कितने जिले हैं? जिले 52 जिले, मतलब कोई भी बता सकता है। तो 5वीं कक्षा का हरदा जिले का नहीं पता था, हरदा जिला कौन से उसमें आता है? संभाग में आता है, संभाग में जो क्या था, नर्मदापुरम में आता है, नर्मदा संभाग था। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन थे उन्हें नहीं पता था आपको लग रहा है, तो आपको लग रहा है जो यूथ है वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा कांग्रेस को? कर भी सकता है। हाँ जैसे अधिकतर लोग ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस, और नहीं ऐसा नहीं है यूथ पूरा यूथ की कांग्रेस की तरफ, कांटे की टक्कर रहेगी ऐसे, एक तरफा जीत ही नहीं कह सकते हैं कांग्रेस की। अच्छा अच्छा अच्छा। धीरेंद्र यादव जी, क्या काम करते हैं आप? हल चला रहा हूँ, आज भी ट्रैक्टर ना तो बैलन से जोत रहा हूँ। किसान है आप? किसान हूँ। अच्छा, सरसों क्या रेट भेजिए इस बार? सरसों तो मोदी ने खत्म कर दे। किसान तो बहुत नाराज है, मोदी ने सपा निबटाया तो किसान। किसान ये कह रहे हैं पिछली बार 8,000 भी की थी, इस बार 4,000। अरे मोदी ने निबटाया तो कहता रहूं, सूधी भाषा बोल रहा हूं यार। अच्छा, तो आपका आपको क्या लग रहा है ये किसानों में? कांग्रेस सरकार बनेगी चाहे वो ताकत के तुकू लगा ले, जी ठोका बात है। अच्छा, थोड़ा सा और यही सारी चीजें, ये जैसे आप कह रहे हो कांग्रेस, तो और भी चीजें, बेईमानी मोदी कर ले तो पतोनाने नहीं, तो हमारी जनता मतलब कांग्रेस से नाराज रही है। अच्छा हाँ, बेईमानी करता है वो, बेईमान है। क्या बेईमानी लगी आपको? बेईमानी लगी है, पेटिन बदल देता है पेटिन में। अच्छा, तो पिछली बार कांग्रेस बनी थी तो जो सिंधिया जी उधर चले गए, सुनो सिंधिया जी उधर चले गए थे, सिंधिया जी चले गए तो उधर पिछली बार, सिंधिया जी तो
खैर ठीक है, मजबूरी में गए थे। मजबूरी में गए थे। अच्छा तो ये सिंधिया जी का, सिंधिया जी थे। अच्छा सिंधिया जी का माहौल क्या लगा? सिंधिया जी का माहौल अब कुछ नहीं है, खत्म हो चुका है प्रभाव। नहीं खत्म तो नहीं हुआ है खैर, पर सरकार कांग्रेस की बनेगी ये तो का बात है। चलो ठीक है, आपका नाम क्या था? मैं कहा नाम, नाम मेरा नाम धीमान सिंह। क्या काम करते हो? जी धंधा पानी करते हैं, पत्थर वाला। पत्थर वाला काम करते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है जो काम काज है कैसा अभी चल रहा है आपका? काम ऐसे ही चल रहे हैं, काम पैसा ही नहीं है, मजदूर आदमी क्या करे, महंगाई इतनी हो गई है तो क्या करे। अच्छा काम कहाँ से चलेंगे? अच्छा। और जो पैसा वाले हैं वो पैसा वाले हो जा रहे हैं, और गरीब हैं तो गरीब ही हो जा रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ, और बताया है तो ये आपको क्या लग रहा है ये माहौल चेंज होगा आने वाले चुनाव में? अब लग तो रहा हुआ है, अब निश्चित नहीं कह सकते, लग तो रहा हुआ है। कांग्रेस की सरकार गाँव में जाते हैं किसानों तो बेतो ला रहे हैं कि कांग्रेस है कांग्रेस है कांग्रेस है, और सिटी का माहौल पता नहीं चल पा रहा। अच्छा मिक्स है यहाँ पे? हाँ अच्छा मिक्स है। तो जो जो लोग परेशान है महंगाई से परेशान है गैस पेट्रोल डीजल से, उनसे नाराजगी नहीं है लोग? उनसे लग रहा है नाराज तो वही तो है, नाराज है मजदूर, नाराज है तो मजदूरी मिलती नहीं है तो क्या करे मजदूर बताओ। अच्छा हाँ, और जो आपके घर पे लाडली बहन योजना वाले रुपए नहीं आ रहे मैडम जी को, मिल रहे रुपए? लाडली बहन योजना से जो रुपए मिल रहे हैं 1000 नहीं मिले, वो कहूँ जहाँ जाओ कहूँ वहाँ जाओ, दो दो चार चार घंटा का कहते हैं लाइन में लगे रहो। हाँ। और कहूँ जे नहीं है कहूँ वो नहीं है। हाँ। तो कहाँ से क्या कहते हैं फिर? तो आपको लग रहा सही नहीं हो रहा है? हाँ सही ना हो रहा, मतलब जैसे 1000 रुपए दे रहे हैं वो चुनाव पे वो रुपया में अभी 10 पैसा भर मिल रहा है। अच्छा हाँ यही बात है, केवल आपको लग रहा है चुनावी मुद्दा ये है? चुनावी मुद्दा लग रहा है, और रुपया में 10 पैसा भर मिल रहा है कुछ 25 तारीख को। और बताओ कांग्रेस की सरकार आएगी तो कुछ असर पड़ेगा महंगाई महंगाई पे, कम होगी? अब क्या पता वो तो दोनों एक ही से है, एक ही से है। वो तो ये कह रहे जिनकी आ जाते थे वो अपन बताते हैं, और जिनकी आ जाते थे जिनकी महंगाई, अब महंगाई को खत्म करे चीजें जैसे पैदा है ना रही तो महंगाई सरकार ना कर सकते गई, वो कम सरकार ना कर सकते गई, दो बात है वहाँ में और कुछ नहीं। जो समझदार है समझदार है ये तो समझ तू है, अच्छा। ना समझ तो किसान है, बोले 704,000 है मोदी ने मरवा दे मोदी ने मरवा दे, अब क्या करोगे तुम कहू को पकड़ो जाते है? है तो किसान अपनी बात कह रहा है, किसान अपनी बात कह रहा है पूरी। अभी हम गांव गए हाँ। तो बोले 700 धरी है, 704,000 लगा इतनी लग गई, जो खाद वगैरह भी महंगी हो गई। हाँ खाद वगैरह महंगी हो गई, और जुताई महंगी है गई, डीजल महंगो है, पानी महंगो है। अब वो का भाव पर ये क्या करें, अब मरे क्या करें? अच्छा। जनता किसान जे रो रहा है। अच्छा। तो फिर कैसे मान लें, लाइट तो मिल रही है जैसी मिली रही है, लाइट टाइम पे नहीं आती है, टाइम पे नहीं आती। अच्छा तो इसलिए नाराजगी ज्यादा है ना। हाँ। इसलिए किसान कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उसमें सबसे ज्यादा नाराजगी किसान में, वो बदलाव किसान ज्यादा चाह रहा है। क्या नाम है दादा? क्या नाम है दादा आपका? शंकर लाल। क्या काम करते हैं आप? कछुला यही मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, बेरोजगार बैठे हैं जो मान ले। अच्छा हाँ। तो आप मतलब इससे पहले कोई काम करते, लॉकडाउन से पहले क्या करते थे? पहले काज बिजली घर में जाते, सुबह में से बंद रह गए, बंद हो गया। हाँ। अच्छा तो और कोई काम वाम नहीं देखा फिर आपने? कछुला देखो तो मजदूरी अभी डेली मिल जाती है? नहीं मिलती है, डेली नहीं मिलती है। अच्छा तो जो लाडली बहन योजना के 1000 रुपए आपके मैडम के खाते में आ रहे हैं? पत्नी आ रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा तो आपको क्या लग रहा है जो चुनाव आने वाले हैं उसमें इस बार बदलाव होगा मध्य प्रदेश में कि नहीं होगा? स्थिति तो जानपत्य स्थिति के बदलाव है सकता है। हाँ। फिर ये बेना योजना में ये महिला है वे हाँ। तो भाई की तरफ जा सकते हैं कांग्रेस की तरफ के? अच्छा शिवराज जी हाँ, मामा जी की तरफ हाँ। अच्छा कई सारे हमने पुरुषों से जैसे हाँ। जो मेल उनसे बात की वो कह रहे हाँ। बहनाओं के लिए तो कर दिया, जीजाओं के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, हाँ, ये भी बात है, है? हाँ। ये परेशान है आदमी कह रहे महिलाओं के लिए तो कर दिया, बहनों के लिए कर दिया है, बहना के लिए है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं किया हमारी तो। अच्छा तो आपको लग रहा है कि जो जैसे दादा ने बताया और भी लोग आपने सुना किसान बढ़ गए मजदूर बढ़ गए उसमें एक नाराजगी है, काम हाँ, नहीं हो पा रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। तो महंगाई से ले परेशान है कहीं ना कहीं? महंगाई से परेशान है जनता पूरी। तो अच्छा तो बदलाव चाहिए इस बार?
देखो क्या होता है, कांग्रेस को भी माहौल लग रहा है। अभी प्रियंका गांधी की रैली है। हाँ है। अच्छा, तो आपको लग रहा है उनकी रैली से कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अच्छा, आपको लग रहा है सही है प्रियंका गांधी आ रही है ना? अच्छा, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो किसान और मजदूर के मुद्दे हैं वो रैलियों में उठाए जाएंगे? वे तो उठा ही जाएंगे, बोलेंगे बराबर किसान। आप जाओगे रैली में? जाएंगे। जाओगे? जाएंगे, जरूर जाएंगे। जरूर जाओगे। चलिए ठीक है। तो कहने की आपने देखा एक मजदूर वर्ग हो चाहे युवा हो, हमने कई सारे लोगों से बात की और वो ये चाह रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो, और कुछ लोग सीधी सीधी बात कर रहे हैं। धन्यवाद।